Dear students of 6th class, as you know, we are reading chapter 6 of English grammar and the topic is articles. Yesterday we have done the uses of a, an and the. And I have also given you the homework of doing the a and b part of articles. I hope all of you have tried very hard to do this exercise. So students, open your books, page number 29 and A part, and match your answers, and if you have done any mistake, please correct your answer. In the A part, 6 sentences we have completed yesterday, and today we will discuss the sentence number 7. He returned home in dash hour and dash half. तो क्या आएगा an hour, because here is a vowel sound, तो vowel sound के साथ an, and a half. यहाँ पर half ह की sound है और h की, और जो क्या है ये एक consonant sound है, तो यहाँ पे a का use किया गया है. This was dash great occasion for me. A great occasion for me. Dash principal dash school was absent. The principal of the school was absent. भाई उस स्कूल का प्रिंसिपल जो है वो क्या है, एबसेंट है. Did you watch dash sunset yesterday? The sunset yesterday. भाई क्या तुमने कल का जो सनसेट है, जब सूरज डूब रहा था तब तुमने देखा था, तो ये स्पेसिफिक बात हो रही है, तो यहाँ पे द का यूज किया गया है. डैश चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, तो मैंने बताया था जब भी किसी ट्रेन का, एरोप्लेन का या किसी भी चीज का नाम हो तो यहाँ पे द का यूज किया जाता है. द चेन्नई एक्सप्रेस वॉज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एन आवर. आवर तो ये क्या है, वोवल साउंड. डैश ड्रेस दैट आई बोट यस्टरडे इज ग्रीन. द ड्रेस भाई वो वाली स्पेशल ड्रेस जो मैंने कल खरीदी थी उसका कलर क्या है, ग्रीन. यहाँ पे रिवर का नेम है इसलिए द गंगा इज एन इम्पोर्टेंट रिवर. वी वेंट टू आगरा टू विजिट ताजमहल. बिल्डिंग फेमस बिल्डिंग का नेम है, तो द का यूज किया गया है. आई वेंट टू डैश शॉप टू बाय डैश इरेजर. आई वेंट टू अ शॉप, एक शॉप पे गया किस लिए, टू बाय एन इरेजर. क्या है, वोवल साउंड है इरेजर, ई, तो क्या यूज किया गया है, एन. सर्कल द करेक्ट आंसर टू कम्प्लीट दिस सेंटेंसेस. वी हैव डन 4 सेंटेंसेस यस्टरडे एंड टूडे वी विल डिस्कस द सेंटेंस नंबर 5. नोट डैश अ या फिर द साउंड वॉज हियर्ड इन द कॉरिडोर ऑल डे लॉन्ग. नोट अ साउंड, कोई भी साउंड नहीं सुनी गई कॉरिडोर में पूरा दिन. वी वेंट टू न्यू दिल्ली बाय, पता है ट्रेन का नेम है, तो द राजधानी एक्सप्रेस. देर इज नोट डैश आउंस ऑफ ट्रूथ इन दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट. इस न्यूज़पेपर रिपोर्ट में कुछ भी सच्चाई नहीं है, तो क्या आएगा, एन. क्यों, क्योंकि आउंस यहाँ पे वोवल साउंड है. हमने वोवल ए ई आई ओ यू, वोवल्स हमें पता है 5 होते हैं, हमने वोवल की साउंड को सुनना है, फिर उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि ए आएगा या फिर एन आएगा, ना कि सिर्फ ए ई आई ओ यू देखा और हमने ए एन लगा दिया. अंडरस्टूड, हमने वोवल की साउंड को सुनना है. आउंस अ, तो जो अ है वो साउंड किसकी है, वोवल की है, तो इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा. जो हिंदी में स्वर होते हैं ना, अ आ ई ई ओ ऊ, हमने वो वाली साउंड यहाँ पर सुननी है, उससे ही हमें क्लियर होगा कि यहाँ पर ए आएगा या फिर एन आएगा. अगर हमें स्वर की साउंड आ रही है, जैसे आउंस आ आ, तो यहाँ पे स्वर की साउंड आ रही है, तो हम एन का यूज करेंगे. अंडरस्टूड. सेंटेंस नंबर 8. एन या फिर द एल्प्स आर ए माउंटेन रेंज इन यूरोप. माउंटेन रेंजेस हमें पता है, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, द का. सेलोनी हैज डैश ए और एन एक्सरसाइज बुक इन हर स्कूल बैग. एन आएगा, एक्सरसाइज
ए जो हिंदी का स्वर है उसकी साउंड आ रही है उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा कि ए आएगा या फिर एन आएगा। जैसे यूरोपियन, तो ये किससे शुरू होता है? शुरू तो ये ई से होता है, ए ई आई ओ यू, पर हमने ये ई देख के नहीं लगा देना कि यहाँ पे एन आएगा, हमने साउंड को लिसन करना है ध्यान से। यूरोपियन, यू, यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है? यू, वाई की साउंड आ रही है इंग्लिश में, और उसकी साउंड हिंदी में क्या है? यू, जो वो है व्यंजन है यू, य, तो यहाँ पे ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? अ का यूज करते हैं, नोट एन। टेन ए और द पैलेस, क्या आएगा? द पैलेस, भाई वो वाला पैलेस जो महल है, हैज डैश अ सॉरी एन या फिर द इनॉर्मस डाइनिंग रूम, उसका बहुत बड़ा डाइनिंग रूम है, क्या है? एन, इनॉर्मस, ई, ई, तो किसकी साउंड आ रही है? स्वर की, तो यहाँ पे क्या आया? एन। नेक्स्ट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, ये नहीं कि हर एक सेंटेंस में आर्टिकल्स लगना है, कई बार जो है आर्टिकल का यूज वहां पर नहीं करते, ओमिशंस मतलब वहां पर आर्टिकल का यूज नहीं होता, उसके भी कुछ रूल्स है। नाउ वी विल स्टडी द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। वी डू नॉट यूज आर्टिकल्स बिफोर, किससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते? फर्स्ट प्रॉपर नेम्स, जो भी किसी का प्रॉपर नेम हो, किसी व्यक्ति का या किसी सिटी का, किसी भी चीज का प्रॉपर नेम हो, तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट रियाज इन चेन्नई, तो यहाँ पे रियाज क्या है? किसी उसका मैन का नेम है, ठीक है, तो चेन्नई क्या है? किसी सिटी का नेम है, तो यहाँ पे ये पर्सन का नेम है और ये सिटी का नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन है, किसी प्रॉपर पर्सन का और प्रॉपर सिटी का नेम दिया गया है, तो यहाँ पे हम ए या एन किसी का भी यूज नहीं करेंगे, ए एन द किसी का यूज नहीं करेंगे। सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं? जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसके साथ भी हम इनका आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, दैट आर यूज इन ए जर्नल सेंस, जो सामान्य रूप से जिनका बोला जाए उनके साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स एकता, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फिजिक्स ऑलवेज इंटरेस्ट मी, जो फिजिक्स है ये हमेशा मुझे आकर्षित करती है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले। थर्ड इज अनकाउंटेबल नाउन्स, जो काउंट नहीं किए जा सकते, काउंटेबल नाउन के साथ तो यूज करते हैं हम ए और या फिर एन का, पर जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ, जो जनरल स्टेटमेंट्स है उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड फॉर आवर्स इन सर्च ऑफ वाटर, तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल, इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। वी गेट मिल्क फॉर काउस, तो यहाँ पे मिल्क भी है वो अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। However, when uncountable nouns refer to something specific, परंतु जो ये uncountable noun है, परंतु जो वो कुछ specific, निश्चित को indicate करेंगे, तब हम उसके साथ कौन से article का use करेंगे? We use the definite article the. इसको example से हम समझेंगे। The water from the well tastes sweet. उस कुएं का पानी मीठा है, हमने यहाँ पे क्या कि स्पेसिफाई किया है कि वो वाले कुएं का पानी मीठा है, द वाटर फ्रॉम द वेल। द मिल्क इन द ग्लास इज सोर, जो ये मिल्क है ना इस ग्लास में जो मिल्क है, स्पेसिफाई किया है कि ये वाला जो मिल्क है ये क्या है? खराब है। फॉर अ नाउन दैट इज यूज्ड इन जनरल सेंस, ऐसे नाउन जिसको हम जनरल सेंस में सामान्य रूप से जब हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स आर इंटेलिजेंट बींग्स, ह्यूमन्स सभी व्यक्ति, सभी मानव जाति वो क्या है? बहुत इंटेलिजेंट है। प्लूरल नाउन्स जो बहुवचन नाउन्स, विच आर नॉट फॉलोड बाय फ्रेजेस और क्लोजेस, जो फ्रेज और क्लोज, जिसके पीछे फ्रेज और क्लोज नहीं है, दैट मोडिफाइड देम, जो उनको मोडिफाई करे, उनके मीनिंग को और क्लियर करे, एनहेंस करे, तो उसके साथ हम
आर्टिकल का यूज नहीं करते, ऐसे प्लूरल नाउन के साथ जिनके पीछे फ्रेजेस या क्लॉज नहीं है जो उनको और अधिक मॉडिफाई करे. एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स शुड वेयर देयर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म टुमोरो. तो यहाँ पे स्टूडेंट से पहले हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया. पीपल शुड स्टैंड इन अ क्वी. क्यू, जो लोग हैं उनको क्यू मतलब कतार में खड़ा होना चाहिए. तो इससे पहले भी हमने किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया. सिक्स, द नेम्स ऑफ सिटीज, टाउन्स, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, डेज, मंथ्स, आर्ट्स, लैंग्वेजेस, साइंसेस एंड सम डिजीजेस. क्या शहरों के साथ कस्बों, देश, कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप, दिन, महीने, आर्ट्स, कोई भी कलाकृतियां हैं, भाषा या फिर साइंसेस या फिर कुछ बीमारियां हैं, इनके साथ हम, इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते. इनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे. फ्राइडे क्या है? डेज का नाम है, डेज ऑफ वीक है, तो इनसे पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. शी इज ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच. फ्रेंच क्या है? लैंग्वेज है. अगेन वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल हेयर. देयर हैज बीन एन आउटब्रेक ऑफ डेंगू, कि वहां पर जो डेंगू है, जो बीमारी है, डिजीज है, वो फैल चुकी है, तो इससे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. बट समटाइम्स इन केस ऑफ इलनेस और डिजीजेस वी यूज सुटेबल आर्टिकल. परंतु कई बार कुछ एक्सेप्शन भी होता है कि कुछ बीमारी या कुछ इलनेस हो जाए, किसी को कुछ बुखार हो जाए या कुछ बीमारी हो जाए, उस केस में हम कुछ सुटेबल आर्टिकल का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ हेडेक या फिर फीवर. आई हैव अ फीवर या आई हैव अ हेडेक. सो वी ऑल्सो हैव लर्न कि कहाँ पर जो आर्टिकल्स है उसका यूज हम नहीं करते. आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा, यूसेस ऑफ आर्टिकल्स एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स. सो कम टू योर बुक, पेज नंबर 31, सी पार्ट. से द करेक्ट सेंटेंस अलाउड. इन जो सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें कुछ मिस्टेक है, तो हमने इसको करेक्ट करके इन सेंटेंसेस को बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, वट विल यू डू आफ्टर यूर फिनिश द कॉलेज. जब तुम्हारा कॉलेज फिनिश हो जाएगा तो आप क्या करोगे? विल यू अप्लाई फॉर द जॉब. क्या आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे? तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? यहाँ पर मिस्टेक है, विल यू अप्लाई फॉर द जॉब नहीं है, विल यू अप्लाई फॉर अ जॉब. क्या आप एक जॉब के लिए अप्लाई करोगे? द नेक्स्ट इज, द मिल्क इज ए मस्ट फॉर ऑल ग्रोइंग चिल्ड्रन. तो यहाँ पे मिल्क है, ये अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम कोई आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे. तो क्या आएगा? मिल्क इज मस्ट फॉर ऑल ग्रोइंग चिल्ड्रन. सभी बढ़ते हुए बच्चों के लिए दूध है, वो क्या है? जरूरी है. थर्ड, प्रीति ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैलकटा यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पे कैलकटा यूनिवर्सिटी से पहले द का यूज नहीं करेंगे. किसी भी यूनिवर्सिटी हो, उससे पहले हम द का यूज नहीं करते. जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, तो इन द सेम वे द कैलकटा यूनिवर्सिटी नहीं होएगा. क्या होगा? प्रीति ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैलकटा यूनिवर्सिटी. सेंटेंस नंबर फोर, जतिन हैज सन एंड डॉटर. क्या आएगा? जतिन हैज अ सन, उसके पास एक बेटा है और एक बेटी. सेंटेंस नंबर फाइव, एन यूनिकॉर्न. ये यू है, तो क्या यहाँ पे साउंड किसकी है? यहाँ पे साउंड है यू, वाई की साउंड है इंग्लिश में, और हिंदी में किसकी साउंड है? ये व्यंजन यू. तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अ यूनिकॉर्न. वाज ऑन द कवर ऑफ द बुक. बुक की कवर पेज पर था. ऑन द कवर ऑफ द बुक. इन द सेम वे यू विल सॉल्व ऑल दिस सेंटेंसेस. दिस इज योर होमवर्क फॉर होम, एंड यू विल ऑल्सो डू द डी पार्ट ऑफ दिस एट योर होम. यू विल ट्राई टू डू द सी एंड डी पार्ट ऑफ आर्टिकल्स. विद दिस वी हैव ऑल्सो फिनिश्ड द चैप्टर नंबर 7th ऑफ इंग्लिश ग्रामर. And this is an important topic of grammar, name, article. I hope you all of you understood this chapter, and please try to do this chapter again and again at your home. Practice at your home. Thank you.